आरोपी श्वेतापति विजय जैन की ओर से न्यायालय में आज आवेदन प्रस्तुत किया गया था। पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, उसमें हमने निवेदन किया था न्यायालय से कि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो धाराएं लगाई गई थी वो सारी धाराओं की जांच के विषय में 60 दिनों में चालान न्यायालय में प्रस्तुत करना ज़रूरी था, जो पुलिस के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण हमारे द्वारा जमानत की याचिका दायर की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय में पुलिस ने स्वच्छ हाथों से ना होते हुए न्यायालय में निवेदन किया, ये बताया कि पुलिस ने एक और FIR धारा 370 मानव तस्करी के संबंध में की थी, वो भी इसी मामले में लंबित है। तो हमने न्यायालय को ये भी बताया कि वो मामला भोपाल न्यायालय में क्षेत्राधिकार होने के कारण वहाँ लंबित है, इंदौर के मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने हमारा आवेदन निरस्त कर दिया था, तो आज उसके विरुद्ध सत्र न्यायालय में रिविजन की गई थी आदेश के खिलाफ, और सत्र न्यायालय में अभी हम बहस करके आए हैं इन सारे बिंदुओं पर। हमने न्यायालय में ये भी आक्षेप लगाया प्रोसिक्यूशन पर, अभियोजन पर, कि वे स्वच्छता से न्यायालय में नहीं है, उनके द्वारा असत्य जानकारी न्यायालय को दी जा रही है कि 370 मानव तस्करी का मामला यहीं लंबित है। इस आधार पर पूरी बहस हो गई है, अभी फैसला आना है, यदि आज शाम तक या फिर सुबह में आ सकता है। उसके अलावा आज उनकी पेशी भी थी न्यायालय में, चालान प्रस्तुत होना था। आरोपी श्वेता की ओर से हमने न्यायालय में निवेदन किया कि पुलिस जांच पूरी कर चुकी है परंतु जानबूझकर चालान प्रस्तुत नहीं कर रही है, और प्रोसिक्यूशन ने एक आवेदन प्रस्तुत किया कि हमें 14 तारीख तक और समय दिया जाए चालान प्रस्तुत करने के लिए, तो अगली तारीख 14 तारीख लगी है।